हेलो बच्चों, क्लास फिफ्थ एंडेवर में हमने फर्स्ट चैप्टर अपना फिनिश कर लिया है। सेकंड चैप्टर भी हमने काफ़ी पढ़ लिया है और आई थिंक आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। मैप्स, आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स, तो ये हमने फर्स्ट पेज जो हमारा था वो हमने फिनिश कर लिया था, समझ लिया था कि मैप्स की क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में हमने लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे कि अगर हमें मैप की लैंग्वेज समझ में आती है तो हम उसकी मैप के बारे में सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया था कि एवरी मैप हैज़ अ स्टोरी, क्योंकि हर मैप की अपनी एक कहानी होती है। अगर वो जो साइन और सिग्नल्स सिंबल्स जो उसमें दिए जाते हैं, अगर हमने उनको अच्छे से समझना सीख लिया है, उनकी भाषा सीख ली है, तो हम मैप्स की भी सारी भाषा सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो आगे हम अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उसके बाद में मैप्स की लैंग्वेज के बारे में नेक्स्ट जो है टॉपिक है, इसमें वो हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है। तो कोई भी हम मैप देखते हैं उसमें हमें डायरेक्शंस भी दी होती हैं या नहीं भी बताई जाती, तो हमको मालूम होना चाहिए कि किस साइड में कौन सा डायरेक्शन होता है, जिससे हम किसी भी प्लेस की लोकेशन का पता लगा सकें या वो किस पार्ट में सिचुएटेड है इसको इसके बारे में हम जान सकें। और जो साइड में एक स्केल भी दिया जाता है मैप के, जिससे कि हमें वहाँ के डिस्टेंस के बारे में पता लगता है कि किस जगह दो जो स्थान हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, वो हमें कैसे पता लगेगा कि एक जो सिटी है दूसरे सिटी से कितनी दूर है। या फिर उसमें जो सिंबल्स बने रहते हैं, साइड में सिंबल्स देते हैं, वो किस चीज़ को दिखा रहा है वो भी दिया होता है। तो उसको समझ कर हम बहुत सारी चीज़ों का मैप देखते ही पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको आनी चाहिए। तो अभी तो हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन में सपोज़ यू आर गोइंग टू स्कूल, अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि आप ये मैप देख रहे हैं, अगर हमें इसके डायरेक्शन के बारे में पता करना है तो यहाँ ऑलवेज जो स्टार्ट होता है वो ईस्ट हमारा राइट हैंड से शुरू होता है। राइट हैंड में जो डायरेक्शन होता है वो हमारा ईस्ट होता है, और लेफ्ट पे जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा, ऊपर जो होगा वो नॉर्थ होगा और नीचे साउथ हो जाएगा। और इसके बीच के जो हैं वो सब डायरेक्शंस हो जाते हैं, जो कि फोर और हैं। फोर तो हमारे मेन डायरेक्शंस हैं और फोर हमारे सब डायरेक्शंस हैं। तो उसके बारे में हम ये आगे इसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। सपोज़ यू आर गोइंग टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस, मान लीजिए कि आप स्कूल जा रहे हैं अपने घर से। यू नो द रूट ऑफ रूट टू रीच देयर, और आप वहाँ पहुँचने का रास्ता भी जानते हैं। यू समटाइम्स टर्न लेफ्ट समटाइम्स राइट, कभी आप राइट मुड़ते हैं कभी लेफ्ट मुड़ते हैं। These words indicate the direction of your movement. और ये जो indication होते हैं, आपसे कोई address पूछता है तो भी आप बताते हैं कि भाई इधर से जाएंगे, इधर से right मुड़ जाएंगे, फिर वहाँ से left turn करेंगे। तो इस type से जो आप address बताते हैं तो वो सारा क्या बताते हैं, हाँ आप directions की ही बात कर रहे होते हैं वहाँ पर भी। तो यहाँ पे वो इंडिकेट क्या करता है, डायरेक्शंस ऑफ योर मूवमेंट, आपको जिधर जाना है उसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फोर मेजर डायरेक्शंस हैव बीन फिक्स्ड, जो चार प्रमुख दिशाएं हैं उनको फिक्स किया जा चुका है, निश्चित किया जा चुका है। वो आपकी नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, यानी कि उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम हो गया। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड यूज द सेम सिस्टम ऑफ डायरेक्शन, और सभी देशों में यही डायरेक्शन का सिस्टम यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि इंडिया में तो मानते हो कि इधर ईस्ट है और साउथ अफ्रीका में या फिर आपका अमेरिका में मानते हो कि इधर वेस्ट, ऐसा नहीं है। सारी कंट्रीज़ में यानी कि होल वर्ल्ड जो है इन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करता है। When we look at a map, जब हम मैप पर देखते हैं, the top of the map shows the north direction, जो टॉप हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपका नॉर्थ है। The bottom, ये जो नीचे का देख रहे हैं of the map which is directly opposite north, जो इसका opposite है वो north है, वो south है आपका। Shows the south to the right side, और right side में आप जो देख रहे हैं वो east है और लेफ्ट में आपका वेस्ट है। तो ये सारे आपके फोर डायरेक्शन हो गए। तो ऊपर कौन सा हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो ये फोर डायरेक्शन हो गए आपके। इफ़ वी लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, अगर ये हम भारत के नक्शे पे देखते हैं, वी विल सी दैट, तो हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो ये वाला क्षेत्र है वो कहाँ पर है, नॉर्थ में है।
केरला कहाँ पर है? केरला आप देख रहे हैं कि ये यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो साउथ में है। तो केरला का जो क्षेत्र है, केरला है, तमिलनाडु है आपका, इधर फिर उसके नीचे श्रीलंका पड़ता है, ये सब कहाँ पड़ते हैं? ये साउथ में पड़ते हैं। तो ये वाला साउथ एरिया हो गया आपका, साउथ डायरेक्शन में हो गया। उसके बाद में आप है गुजरात, गुजरात वाला ये वाला साइड जो है वो कहाँ पर पड़ता है? ये वेस्ट हो गया आपका। और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश कह सकते हैं, या वेस्ट बंगाल जो है आपका, वेस्ट बंगाल ये डायरेक्शन जो है आपकी कौन सी हो जाती है? ईस्ट हो जाती है। तो ये ईस्ट एरिया हो गया आपका। अगर आप भारत के नक्शे पर समझने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से आप डायरेक्शन समझ सकते हैं। अदर देन द फोर मेन डायरेक्शन, जो प्रमुख चार दिशाएं हैं, देयर आर फोर सब डायरेक्शंस ऑल्सो। तो चार आपके सब डायरेक्शंस भी हैं, उप दिशाएं भी हैं। दीज आर, ये कौन सी हैं दिशाएं? नो, नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ आपका कहाँ पे पड़ रहा था? नॉर्थ ये पड़ रहा था और ईस्ट ये था। तो ये जो बीच का ये वाला डायरेक्शन हो गया वो नॉर्थ ईस्ट हो गया। वैसे ही अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। इसके बीच में जो ये डायरेक्शन बनेगा वो आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही साउथ ईस्ट की बात करें तो ये वाला साउथ ईस्ट हो जाएगा। और आपका अगर साउथ वेस्ट की बात हम करते हैं तो साउथ ये रहा आपका और वेस्ट ये रहा। तो इसके बीच का ये जो डायरेक्शन बनेगा ये आपका साउथ वेस्ट बन जाएगा। तो आपका ये वाला, ये इधर और ये इधर, चार जो हैं वो उप दिशाएँ भी हैं। तो टोटल जो है वो आपके आठ डायरेक्शंस बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज़ द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। अब बताया जा रहा है कि कहाँ नॉर्थ ईस्ट है, कहाँ साउथ ईस्ट है, कहाँ पर आपका साउथ वेस्ट है। तो ये सारी दिशाएं आपको समझाई जा रही हैं। इज़ द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट, जो नॉर्थ है और जो वेस्ट है उसके बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, है ना। द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट, साउथ ये हो गया, ईस्ट हो गया, ये इसके बीच का जो हो जाएगा ये साउथ ईस्ट हो गया। एंड द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट इज साउथ वेस्ट, तो ये वाला साउथ वेस्ट हो गया। तो इस तरह से ये जो है फोर डायरेक्शंस हो गई। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन से नॉर्थ को, एस से साउथ को, ई से ईस्ट को और डब्ल्यू से वेस्ट को। एन ई से नॉर्थ ईस्ट हो गया, एन डब्ल्यू से नॉर्थ वेस्ट हो गया, एस ई से साउथ ईस्ट हो गया और एस डब्ल्यू से साउथ वेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम इन दिशाओं को इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर ये लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कि किस डायरेक्शन की बात हो रही होती है। इसके बाद में स्केल की बात कर रहे हैं। स्केल की क्या आवश्यकता है वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि वी कैन नॉट मेक मैप शोइंग द एक्यूरेट साइज ऑफ ए प्लेस। अब इतना बड़ा मैप तो नहीं बनाया जा सकता कि अगर हम आगरा का मैप बनाएं तो आगरा जितना बड़ा मैप बनाएं तो ना तो बनाना संभव है, ना रख पाना उसको संभव है, ना ही समझ पाना। तो हैंस अ स्केल इज यूज। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्केल यूज़ किया जाता है। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। अगर मान लीजिए कि कोई भी इंडिया के दो शहर हैं वो उनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ऑन द मैप इट इज़ सोन 1 सेंटीमीटर। तो जो 100 किलोमीटर की दूरी, जो एक्चुअल दूरी है, उसको किससे दिखाएंगे? उसको 1 सेंटीमीटर से दिखा देंगे। द स्केल इज रिटन एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो वहाँ पे नीचे स्केल जो दिया होता है वहाँ पे लिख दिया जाता है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है? 100 किलोमीटर के बराबर है। द स्केल इज यूजली शोन इन कॉर्नर ऑफ द मैप। और जो ये स्केल होता है, जब भी आप मैप देखते हैं तो उसके एक साइड में कहीं भी इधर या इधर, ईस्ट में या वेस्ट में, किसी भी एक कॉर्नर पे स्केल आपका बना दिया जाता है, जिससे कि आप एक्यूरेट जो दूरी है वो किसी भी प्लेस के, दो प्लेसेस के बीच के, आप उनको समझ सकें। अब यहाँ पे स्केल दे दिया गया, इस टाइप से स्केल बना लिया जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 150 किलोमीटर है, या 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर माना जा सकता है, कुछ भी माना जा सकता है। तो इस तरह से स्केल जो होता है वो दिया जाता है। दस द स्केल इज यूज टू रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द मैप। तो क्या रेशियो है, किस अनुपात में वो नक्शा बनाया गया है, उसके बारे में जो है वो आपका स्केल
बता देता है आपको, एंड द एरिया सोन और उस पर जो क्षेत्र दिखाया गया है उसके बारे में आपको बता देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स आर यूज्ड इन मैप्स। मैप्स में कई तरह के स्केल पैमानों का प्रयोग किया जाता है, बट द मोस्ट पॉपुलर वन इज द लाइनर स्केल। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, वो जो नीचे आप देख रहे हैं ये लाइनर वाला स्केल है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज ए स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड इंटू मैनी पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें जो सीधी लाइनें बनी होती हैं, जिसको कि बहुत सारे भागों में विभाजित कर दिया जाता है टू इक्वल लेंथ, बराबर बराबर दूरी पर उसको बांट दिया जाता है एक लाइन को, तो वो जो होता है वो आपका लाइनर स्केल होता है। तो बच्चों आज हमने इतना पढ़ा, थोड़ा सा चैप्टर हमारा वन पेज और बचा है, वो हम उसको कल फिनिश कर लेंगे। आप लोग इसको कई बार इसकी रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद जो आपको समझाया गया, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, पॉज करने के बाद में आप उस चैप्टर को दो बार तीन बार रीड किया करिए, उसके बाद में ऑन करके उसको स्टार्ट करके वीडियो को, तब उसको आप समझा करिए, तो वो आपके जो है सारा का सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।